अपने आप को बहुत फैशनेबल समझेंगे, हम गए सुबह नोटा दबा के आए, 4 घंटे खड़े रहे लाइन में और फिर नोटा दबाया। वाह, किस वर्ग की, किस समुदाय की आबादी में सबसे ज्यादा नोटा दबता है और किस वर्ग और किस समुदाय की आबादी में नोटा दबता ही नहीं है, मेरे को फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा लाइव उसी विषय पे। ये अपने एजेंडे में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, लेकिन हिंदू हर बार कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। हिंदू ऐसी कंफ्यूज प्रजाति बन चुकी है, 4 लोग नकली आईडी से आकर के यहां पे मोदी को गाली देंगे और 25 हिंदू कहेंगे हाँ यार मोदी ने काम तो गलत किया है, इसको वोट नहीं देंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि फिर वोट किसको देंगे, या तो वोट देने जाएंगे ही नहीं, कहीं खंडाला निकल लेंगे छुट्टियों में, कहीं चौकी ढानी निकल लेंगे छुट्टियों में, कहीं नैनीताल घूमने चले जाएंगे, या नोटा दबाने के लिए अपने आप को बहुत फैशनेबल समझेंगे, हम गए सुबह नोटा दबा के आए, 4 घंटे खड़े रहे लाइन में और फिर नोटा दबाया। वाह, हिंदू इस कंफ्यूज प्रजाति का नाम है। मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं, अगर कभी आंकड़े निकलवाए जाए नोटा के, नोट कर लेना मेरी ये बात, कभी इलेक्शन के दिनों में इतनी क्लिपिंग निकाल के चला लेना, जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर में सारे आंकड़े आते हैं, किस किस क्षेत्र में कितना बटन दबा, किसको कितने वोट मिले, और नोटा की जब बात आती है, नोटा की संख्या निकाल लेना, किस वर्ग की, किस समुदाय की आबादी में सबसे ज्यादा नोटा दबता है और किस वर्ग और किस समुदाय की आबादी में नोटा दबता ही नहीं है, सिर्फ ये आंकड़े निकलवा लेना, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। हिंदुओं में तो फैशन बन गया ना कुछ अलग करने का, है ना। इन प्रोपोगेंडा में मत फंसो मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी, मैं सिर्फ यही चीज आपको बता रहा हूं। ये ऐसे प्रोपोगेंडा में आपको उलझा के रखते हैं कुछ लोग, और हिंदू कंफ्यूज प्रजाति होने के नाते उनमें फंस जाता है। फिर से सुन लो, एक छोटा सा आंकड़ा है, कहीं से मिल सके तो लेके देखिएगा, मेहनत करके देखिएगा किस समुदाय के एरिया के अंदर, क्योंकि वोटिंग तो समुदाय के बेसिस पे और पोलिंग बूथ पे होती है। अगर आप बूथ बाई बूथ स्टडी करें और बूथ बाई बूथ आंकड़े निकालें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, मेरे को फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा लाइव उसी विषय पे। नोटा बिल्कुल नहीं दबता, वो कौन से बूथ होते हैं जहां पे नोटा नाम का बटन दबा ही नहीं, साला आज तक जाम हो गया, नोटा दबा ही नहीं है, और वो कौन से इलाके होते हैं जहां पे कंबखत मारा नोटा दब जाता है, उत्तर मिल जाएगा।